सिडनाज की वजह से ठीक हुई उनकी एक कैंसर पीड़ित फैन, सारी बातें बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेजेस को भी फॉलो करें जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। सो हम सब जानते हैं कि सिडनाज की बॉन्डिंग बिग बॉस के घर के अंदर कितनी ज़्यादा मज़ेदार थी, जिस तरीके से वो हरकतें करते थे, जिस तरीके से लड़ाइयाँ होती थी और एक दूसरे का साथ देते थे, वो फैंस को बहुत मज़ा आता था। हमने आमतौर पे देखा है कि हाँ कि मतलब यंगस्टर या फिर घर पे जो फ्री बैठे होते हैं वो अब ये शो देखते हैं और पसंद करते हैं, लेकिन कोई किसी शो को इतना ज़्यादा पसंद कर सकता है कि वो उनकी बीमारी ही ठीक हो जाए? ऐसी ही एक सिडनाज की फ़ैन है जो कैंसर से पीड़ित थी और उनकी बीमारी जो हुई है वो ठीक हो गई सिडनाज की वजह से। एक्चुअली वो अपने वीडियो में बताती है कि वो हॉस्पिटल में थी और वो कैंसर से पीड़ित थी और एक बार वो अनसीन और अनदेखा तड़का जो है होता है, जो आता है, वो देख रही थी, जिसमें वो जेलस वाला टास्क हुआ था। तो उनकी फ्रेंड आई और बोलती कि तुम पागल हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है और तुम ये सब देख रही हो। तो फिर उन्होंने बताया कि मुझे ये देखने में अच्छा लग रहा है और इसकी वजह से मैं ठीक भी हो रही हूँ, जिस तरीके से उनका मूवमेंट है। तो वो देखती रहती थी, जिस तरीके से उन्होंने उस वीडियो में बताया है वो अपने आप में दर्शाता है कि एक मतलब एक स्टार की बातें आपकी ज़िंदगी पर कितना ज़्यादा असर करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। वैसे अगर सिडनाज की फ़ैन फॉलोइंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मज़ेदार है बिग बॉस के घर में। जिस तरीके से उन लोगों की केमिस्ट्री थी वो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, और ऐसे में जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि सिडनाज एक साथ रहे और जो सिडनाज का जो प्रोजेक्ट है वो एक साथ आए। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आपको ये न्यूज़ सुनकर कैसा लगा है ज़रूर बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर।